नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व सांसद राकेश सचान ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के भी घर वापसी की चर्चाएं तेज है, क्योंकि सपा के प्रवक्ता ने इसके संकेत दिए हैं। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के कूप पर इशारा करते हुए लिखा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व समाजवादी नेता अभिनेता जल्दी ही समाजवादी होंगे। सपा प्रवक्ता ने जो तीन इशारे किए हैं वे सभी राज बब्बर की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे में राज बब्बर के सपा में शामिल होने की सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही वह सारलाइन चल रहे हैं। बता दें आपको कि इस बारे में दिए गए एक इंटरव्यू में जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, मगर कहा कि राज बब्बर भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, अगर कोई फैसला होगा तो हम लोग छुपा नहीं पाएंगे। अगर किसी पार्टी में जा रहा होगा तो कोई रोक भी नहीं सकता किसी को। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान जब से प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ली है तब से राज बब्बर सक्रिय नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही राज बब्बर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से वह कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस के जीते इस नेताओं में राज बब्बर का नाम भी है। फिल्म अभिनेता से नेता राज बब्बर ने अपने सफर की शुरुआत जनता दल से की थी। 5 साल तक जनता दल के साथ रहने के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 94 में सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा तो 2004 में सपा के टिकट पर ही जीत कर पहली बार लोकसभा पहुंचे। समा में अमर सिंह की सियासी प्रभाव बढ़ने के बाद 2006 में उन्होंने सपा से नाता तोड़ लिया और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ मिलकर जनमोर्चा का गठन किया। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा एसपीएन9 न्यूज़। धन्यवाद।